हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टेक जासूस। और आज हम घूम फिर के फिर से व्हाट्सएप के पास आ गए हैं, क्योंकि व्हाट्सएप ने अपना फीचर एक लॉन्च किया है नया सा। और मेरे ख्याल से फीचर तो कुछ ऐसा नया है नहीं, क्योंकि ये फीचर ऑलरेडी हाइक स्नैपचैट वगैरह में है। लेकिन अगर व्हाट्सएप लॉन्च करता है तो ये कुछ बड़ी चीज़ बन जाती है, क्योंकि व्हाट्सएप को इतने सारे लोग इस्तेमाल करते हैं कि इसकी जो भी फीचर आता है, इसका जो भी न्यूज़ आता है, बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाती है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं इस वीडियो में कि वो फीचर क्या है, कौन सा फीचर जो व्हाट्सएप ने लॉन्च किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाट्सएप ने अपना एक स्टेटस फीचर लॉन्च कर दिया है, जो कि ऑलरेडी स्नैपचैट और हाइक में अवेलेबल है, जहाँ पे आप अपना स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। और चलिए हम आपको दिखाते हैं कि वो फीचर काम कैसे करता है, क्या क्या फीचर्स हैं उसके, व्हाट्सएप में कुछ इम्प्रूवमेंट है या सेम है, चलिए देख लेते हैं। तो आप खोल लीजिए अपना व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप खोलने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटस बोल के एक टैब आ गया है एक्स्ट्रा, आप उस पर क्लिक करिए। तो यहाँ पे आपका जो भी पर्सन जो है स्टेटस अपडेट डालेगा, वो आपको रीसेंट अपडेट्स में दिखा देगा, और आप जो देख लिए होंगे स्टेटस लोगों का, वो व्यूड अपडेट्स में आएगा। यहाँ पे आप स्टेटस टैब में क्लिक करेंगे तो आपका सब स्टेटस यहाँ पे दिखेगा, रीसेंट अपडेट्स में जो स्टेटस आप रिसेंटली डाले हैं, लोग आप नहीं देखे हैं वो दिखाएगा, व्यूड अपडेट्स में आप जो देख लिए हैं स्टेटस लोगों का वो दिखाएगा। फिर आप यहाँ पे ऊपर सबसे स्टार्टिंग में माय स्टेटस बोल के एक है, टैप टू ऐड स्टेटस बोल के ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप खुद का एक स्टेटस डाल सकते हैं। आप चाहे तो अपना फ़ोटो निकाल के डाल सकते हैं, फ्रंट कैमरा से भी निकाल सकते हैं, और होल्ड करेंगे तो वीडियो निकलेगा, सिमिलर टू क्या बोलते हैं हमारा स्नैपचैट में भी यही सेम ही है। टैप करके रखेंगे अगर इसको तो वीडियो स्टार्ट हो जाएगा रिकॉर्ड होना उसी तरह से। तो चलिए हम कुछ भी स्टेटस डाल के देख लेते हैं। आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग फ़ोटोज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो चलिए हम कुछ भी फ़ोटो सिलेक्ट कर लेते हैं, चलिए ये वाली सिलेक्ट कर लेते हैं और इस बटन पे क्लिक कर देते हैं तो ये सेंड हो जाएगा। तो देखिए सेंडिंग दिखा रहा है स्टेटस, अब वो सेंड हो रहा है स्टेटस। तो देखिए स्टेटस सेंड हो गया है, यहाँ पे दिखा रहा है जस्ट नाउ। तो स्टेटस सेंड होने के बाद कुछ इस तरह से दिखाएगा आपको, और यहाँ पे देख सकते हैं ये आइकॉन, इस पर भी आप क्लिक करेंगे तो आप स्टेटस डाल सकते हैं। और यहाँ माय स्टेटस में तीन डॉट्स दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पे आप इस पर क्लिक करके स्टेटस डाल सकते हैं या बटन पे क्लिक करके ऊपर। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कुछ सिंबल है, इसके साइड में जीरो भी लिखा है। तो यहाँ पे अगर कितने लोग आपके स्टेटस को देखे हैं वो आपको दिखाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्टेटस आपने क्या छोड़ा वो दिखाएगा। यहाँ पे आप दबा के जो है फॉरवर्ड कर सकते हैं ये फोटो किसी को भी चैट में, और यहाँ पे आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको स्टेटस क्या ये दिखा देगा। तो इस स्टेटस टैब में रहेंगे उसी वक्त आप स्टेटस का प्राइवेसी भी चेंज कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे तीन डॉट है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस प्राइवेसी है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं हु कैन सी योर अपडेट्स, तो आपका स्टेटस अपडेट्स कौन कौन देखेगा, आपके कॉन्टैक्ट्स सिर्फ देखेंगे या फिर आपके कॉन्टैक्ट्स देखेंगे कुछ को छोड़कर। तो माय कॉन्टैक्ट्स एक्सेप्ट दबाएंगे तो आप कुछ लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं, ये लोग आपके स्टेटस नहीं देख पाएंगे, बाकी सब जो है जैसे मैं ये दो सिलेक्ट कर लिया तो ये दो लोग को छोड़ के बाकी सब मेरा स्टेटस देख पाएंगे। और ओनली शेयर विथ जो है तो आप यहाँ पे ओनली शेयर विथ क्लिक करेंगे तो जो जो जिस जिसको आप सिलेक्ट करेंगे वही लोग आपका स्टेटस देख पाएंगे। तो ये एक अच्छा प्राइवेसी फीचर भी दिया गया है, अच्छी चीज़ बात है। और यहाँ पे डायरेक्ट कॉल चैट स्टेप में भी रहकर अगर आप थ्री डॉट्स पे क्लिक करें तो यहाँ से भी आप प्राइवेसी चेंज कर सकते हैं स्टेटस का। आप सेटिंग्स पे जाइए, फिर यहाँ अकाउंट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे प्राइवेसी पे, और यहाँ पे स्टेटस है, इस पे आप प्राइवेसी चेंज कर सकते हैं। तो ये स्टेटस फीचर क्या है कि आपका जो भी स्टेटस आप डालेंगे यहाँ पे वो आपका 24 आवर तक रहेगा, उसके बाद वो इनविजिबल हो जाएगा, मतलब चला जाएगा उसके बाद और नहीं रहेगा वो। और ये स्टेटस सिर्फ आपके फ्रेंड्स ही देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अच्छा ही है स्टेटस फीचर, यूज़ करिए। स्नैपचैट हाइक में भी ये फीचर है,
लेकिन व्हाट्सअप थोड़ा लेट हो गया है मेरे ख्याल से, लेकिन छोड़िए कोई बात नहीं। और आप यहाँ स्टेटस में वीडियो फोटो कुछ भी डाल सकते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आपका कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो इसके बारे में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बिना हिचकिचाए लिख दीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।